Next, sum is, there are 37 terms in an AP. एक AP में total 37 terms है. The sum of three terms placed exactly at the middle is 225 and the sum of last three terms is 429. Write the AP. देखो अभी कितने terms में 37 term है. तो 37 term में middle के तीन जो terms है, middle के three terms. अब सपोज ये पांच है, ओके ये पांच में ये मिडल है, सबसे पहले क्या पांच का मिडल निकाला ये, और उसके बाद एग्जैक्टली मिडल के तीन और तीन मिडल के निकल मिडल की तीन उंगलियां है, तो क्या करेंगे ये मिडल है उसके आगे करेंगे पीछे करेंगे, राइट. ये तीन उंगलियां मिडल में आ गई ना, वैसे ही 37 में से जो मिडल में आएगा उसके पहले एक नंबर और उसके बाद एक नंबर, ये तीन नंबर के होंगे मिडल के होंगे. तो 37 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 37 का मिडल हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद एक नंबर उसके आगे का एक नंबर पीछे का लेंगे. और एग्जैक्टली लास्ट के तीन बोले तो 37, 36, 35, ये तो समझ में आया. लास्ट के थ्री टर्म्स मतलब 35, 36, 37. लेकिन एग्जैक्टली मिडल में जब है तो मिडल में हम लोग को फाइंड करना होगा. सो देखो देयर आर 37 टर्म्स इन एपी, देयरफॉर मिडल मोस्ट टर्म इज एन प्लस 1/2. ये हम लोग ने 8-9 में सीखा है, ओके मिडल कैसे निकल रहा है, एन प्लस एन अपॉन टू. So, 37 plus 1 divided by 2 is equal to 38 divided by 2 is equal to 19. मतलब 19 term जो है, वो 19th term क्या है? Exactly middle में आता है. कौन सा? 19th. 19th term जो exactly middle में आता है. अब देखो, thus 3 middle terms, ये 19th है, तो उसके पहले का 18th है, उसके बाद का 20th. तो ये जो 18th, 19th और 20th, ये जो term है, ये terms क्या है? Exactly middle में. First condition में क्या बताया है? According to first condition, ये तीन मिडल टर्म्स है, थ्री टर्म्स को ऐड करने के बाद आंसर क्या था, 225. सम ऑफ द थ्री मिडल टर्म्स इज 225. तो टी 18 कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, 8 प्लस 27 सॉरी 17 डी. 19 कैसे का 8 प्लस 18 डी, और 20 कैसे का 8 प्लस 19 डी इज इक्वल टू 225. ये मैंने तुम लोगों को बताया कैसे आता है, ओके. देयरफॉर a प्लस a 3a, 17 plus 18 plus 19, 54D is equal to 225. अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि तीन कॉमन लूंगा तो क्या हो सकता है, इसमें से पूरे इसमें तीन कॉमन आ सकते हैं. तो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 3, 3 से डिवाइड किया, 3 वन जा 3, 18 जा 54, 17 से जा 225. इसको मैंने इस इक्वेशन मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, तो इक्वेशन मुझे मिला a plus 18D is equal to 75. तो मैंने क्या किया, जितना हो सके मैंने इसके लोवेस्ट नंबर में इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिया है. सेकंड में क्या होता है कि लास्ट के जो तीन टर्म्स है 35, 36 और 37, उसको अगर ऐड करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 429. क्या आंसर आता है, 429. सो a plus 34d plus a plus 35d plus a plus 37d is equal to 429. ऐड किया तो आया 3a plus 105d is equal to 429. अब देखो यहाँ पे 3, अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता कि 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे 3 है, ओके 3 की प्रॉपर्टी क्या है, डिविजिबल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये नंबर्स ऐड करने के बाद उस नंबर को तुम 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो इस नंबर को भी तुम लोग क्या कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो. 1 + 0 1 + 5 6 3 = 6, मतलब इसे दोनों 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको भी कर सकते हैं. डिवाइडिंग बाय 3, a plus 35 is equal to 143. इसे इक्वेशन नंबर 2. फिर क्या किया हम लोगों ने, 1 को 2 में से सबट्रैक्ट किया, इक्वेशन 1 को 2 में से सबट्रैक्ट किया, a plus 35 is equal to 143 and a plus 18 is equal to minus 75. यहाँ पे माइनस ऑफ पे सबट्रैक्ट करें, माइनस ये माइनस हुआ, तो 17d इज इक्वल टू 64, 17d इज इक्वल टू 64 एंड d इज इक्वल टू सॉरी 68, d इज इक्वल टू 68 डिवाइड बाय 17, d इज इक्वल टू 68 डिवाइड बाय 17, d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू क्या आया, 4. और 4 को हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 में प्लेस किया है, a plus 18 इज इक्वल टू 75, a plus 18 into 4 is equal to 75, a plus 18 for the 72, a plus 72 is equal to 75, a is equal to 75 minus 72, answer is
3। मतलब ये जो एपी है, एपी का फर्स्ट मिला तुम्हें, फर्स्ट टर्म मिला, दैट इज ए इज अ 3, और डिस्टेंस भी मिला है, डिफरेंस भी मिला है, कितना है डिफरेंस 4 का है। ओके, सो t1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, t2 इज इक्वल टू t1 + d, दैट इज 3 + 4 इज इक्वल टू 7, t3 इज इक्वल टू t2 + d, तो 7 + 4 इज इक्वल टू 11, फिर वापस में 4 ऐड करो, 15, 4, 19, ऐसे ऐड करते जाओगे। ओके, तो रिक्वायर्ड एपी क्या आएगा, 3, 7, 11, डॉट डॉट डॉट, क्या आया 3, 7, 11, डॉट 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 डॉट। ओके, जो कंडीशंस है, कंडीशंस को ठीक से पढ़ो, समझो, सॉल्व करो, बहुत इजी है। ओके, आए समझ में, राइट डाउन। Eleventh question is, if first term of an AP is A, second is B and last term is C, इसमें क्या होता है, ये जो AP है, AP में first term है A, second है B और last term है C, तो हम लोग को प्रूफ करना है, SN is equal to A plus C into B plus C minus 2A upon 2B minus A, ये हम लोग को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, SN is equal to A plus C into b plus c minus 2a upon 2b minus c, हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, देखो क्या किया है, फॉर द गिवन ap a b एंड लास्ट टर्म इज अ c, फर्स्ट टर्म a d is equal to b minus a, सेकंड t2 minus t1, सो b minus a, लास्ट टर्म c है, tn is equal to a plus a minus into d, ये हमारा क्या है फार्मूला, दिस इज आवर फार्मूला, सो c is equal to a plus l minus 1 into b minus a, a यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हुआ, c माइनस a इज इक्वल टू l माइनस 1 इनटू b माइनस a। अब देखो हमें n फाइंड करना है, क्या करना है, n फाइंड करना है, इस टर्म को हमने ऐसे रखा तो b माइनस a यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो l माइनस 1 इज इक्वल टू c माइनस a डिवाइड बाय b माइनस a। आया समझ में, क्या कर रहे, ये जो टर्म है इस टर्म को मैंने यहाँ पे तो डिवाइड होगा ना, so n minus 1 is equal to c minus a upon b minus a। अब ये n find करना, तो ये minus n यहाँ पे plus हो जाएगा, right? so n is equal to c minus a upon b minus a plus 1, ये minus है, okay? ये यहाँ पे क्या है minus, यहाँ पे क्या हो गया plus हो गया। अब देखो denominator same किया, तो यहाँ पे b minus a से तुम लोग multiply करोगे, तो यहाँ पर भी करोगे, denominator भी क्या है, numerator भी करोगे, so c minus a plus b minus a upon b minus a cross multiply, क्या क्या cross multiply, so n is equal to क्या आया b plus c minus 2a upon b minus a, minus 2a कैसे, minus a minus 2a, so n is equal to क्या आया b plus c minus 2a upon b minus a, ये हमारा n। अभी formula क्या है, इसे का मैंने दूसरा एक formula दिया था, t1 plus tn, जब हमारे पास d वगैरह नहीं होता है तो लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, t1 plus tn, so b plus c minus 2a upon 2b minus a into a plus c। अब देखो ये कैसे आया, n upon 2 है तो n की वैल्यू क्या है, b plus c minus 2a upon b minus a, और ये 2 है, समझ में, ये 2 है, जैसे कि देखो इस टर्म को समझ लो, से b plus c minus 2a upon b minus a divided by 2, because this is n divided by 2, ये reciprocal होगा तो क्या हो जाएगा, b plus c minus 2a upon b minus a into 1 upon 2 into 1 upon 2, so b plus c minus 2a is equal to a आया और 2 यहाँ पे multiply हुआ, तो 2b minus a, आया समझ में, okay? और bracket में क्या देखो, ये हुआ तुम्हारा n upon 2, bracket में t1 plus t2, tn, it is a plus c, because t1 is a and tn is equal to c, now ये यहाँ पे multiply हो जाएगा, multiply में ना, denominator में multiply हो गया, so क्या आया, b plus c minus 2a into bracket a plus c divided by 2b minus a, और वही हम लोग क्या कर रहे हैं, prove कर रहे हैं, ये bracket हमने पहले लिखा और ये second bracket लिखा, okay, और वही क्या करना, हमको prove करना है, आया समझ में, ठीक, राइट डाउन।